इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। आप संसद की समिति की बैठक के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के कथित अपमान का मामला आज संसद में भी गूंजा है। निशिकांत दुबे ने खुद को बिहारी गुंडा कहे जाने की बात लोकसभा में उठाई है। आरोप है कि कल आईटी पर संसद की जो स्थायी समिति है उसकी बैठक के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा था। इस मामले में निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की मांग की है ममता बनर्जी से, और यह मामला आज लोकसभा में भी निशिकांत दुबे की तरफ से उठाया गया है। गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, गोड्डा झारखंड में आता है। निशिकांत दुबे की पैदाइश बिहार की भागलपुर में जन्म हुआ है निशिकांत दुबे का, और निशिकांत दुबे की तरफ से कहा जा रहा है कि आईटी पर जो संसद की समिति है उस दौरान बैठक के दौरान महुआ मोइत्रा की तरफ से उन्हें बिहारी गुंडा कहा गया। इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में, मैं झारखंड से आता हूं, और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है, जिस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर, हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बख्तर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। राम सीता की जो है वो जन्मभूमि है सर। चाहे वो सवाल हो सिख धर्म का, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली, जैन धर्म वहां से स्टार्ट हुआ। तो निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, संसद में उन्होंने खुद को बिहारी गुंडा कहने की बात उठाई है, लेकिन टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, जिन पर निशिकांत ने आरोप लगाया, वो अपने खिलाफ इन तमाम आरोपों से इनकार कर रही हैं। महुआ ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कह रही हैं, जब संसदीय समिति की बैठक कोरम पूरा ना होने की वजह से हुई नहीं तो मैं कैसे किसी का अपमान कर सकती हूं बैठक में। अटेंडेंस शीट चेक कर लीजिए, ये ट्वीट जो महुआ मोइत्रा की तरफ से किया गया है, और इस ट्वीट के जरिए महुआ मोइत्रा सिरे से खारिज कर रही हैं उस आरोप को जो निशिकांत दुबे जो हैं वो महुआ मोइत्रा पर लगा रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने इस मामले में ममता बनर्जी से माफी की मांग कर दी है। सर, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि निशिकांत दुबे वहाँ थे नहीं ऑन रिकॉर्ड, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बिहारी गुंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वो ऑन रिकॉर्ड थे कि नहीं थे वो तो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन नहीं किया। देखिए, निशिकांत दुबे रहने वाले बिहार के जी, सांसद होंगे वो झारखंड से, लेकिन बिहार के रहने वाले जी। जान बूझ कर उन्होंने केवल बिहारियों को अपमानित नहीं किया है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग जिस स्तर पर उतर आए हैं कि अभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो टीएमसी को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ममता बनर्जी से आग्रह करूँगा कि अपने सांसद के व्यवहार के लिए उनको बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस भी ये कह रही है कि किसी भूत को तो गाली दी नहीं जा सकती, या आप शब्दों का इस्तेमाल हो नहीं सकता जब वो वहाँ थे ही नहीं, तो एक तरह से जो बात महुआ मोइत्रा कह रही है वही बात कांग्रेस भी कह रही है। बात तकनीकी दांव पेंच में आने की आवश्यकता नहीं है, वो मौजूद थे, उन्होंने केवल हस्ताक्षर नहीं किया, तो आपने गाली गलौज किसको किया? अगर वो थे ही नहीं, इसलिए यह कहना कि वो नहीं थे, थे तो थे, मौजूद थे, लेकिन वो टेक्निकली मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे। तो बीजेपी सांसद सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि वो वहां मौजूद थे, सिर्फ उन्होंने साइन नहीं किया, इसलिए जो दलील महुआ मोइत्रा की तरफ से दी जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद नजर आती है। और साथ ही निशिकांत दुबे का जो अपमान बिहारी गुंडा कहकर किया गया है महुआ मोइत्रा की तरफ से, उसे बीजेपी पूरे क्षेत्र का अपमान बता रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।